फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है बना दिया था पिछले वीडियोस में, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और तो चलिए मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी इसे विभव कहते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस विभव यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी वन यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। और किस तरह से यहाँ पर मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे होता है। तो सबसे पहले इसका जो है हम लोग हिंदी सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी सेंटेंस बनाएंगे इसका। तो जैसे होगा यहाँ पर, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा आई, देखिए सब्जेक्ट आई, उसके बाद इज एम आर में आई के साथ हम लोगों को पता है क्या लगता है, एम, आई एम जी ओ आई एन जी गोइंग, ये हुआ आपका भी वन। ये देखिए वी वन यानी कि अभव का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या लगाना है, आई एन जी। तो मैंने यहाँ पर आई एन जी लगाया यानी कि गोइंग हो गया। आई एम गोइंग कहाँ, टू स्कूल, सॉरी एस सी एच डबल ओ एल स्कूल। देखिए कैसे बना, आई एम गोइंग टू स्कूल, इस तरह से बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं। वह नदी, देखिए नदी जा रहा है, तो वह का हो जाएगा यहाँ पर ही या फिर सी, तो हम लोग ही लगाएंगे, लड़का मान के चलते उसको, तो ही लगेगा। देखिए सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के साथ ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, इज लगाया, ही इज गोइंग टू, देखिए गो, गो के साथ आई एन जी, गोइंग टू रिवर, टू द रिवर होता है, चलिए टू द रिवर, ही इज गोइंग टू द रिवर यानी कि वह नदी जा रहा है। चलिए और एक बना लेते हैं हम लोग, वह किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा पढ़ रहा है यानी कि लड़का है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ही इज, आर ई डी रीड होता है, चलिए उसमें आई एन जी लगाएंगे तो रीडिंग, ही इज रीडिंग बुक यानी कि वो किताब पढ़ रहा है। चलिए और बनाते जाएंगे यहाँ पर हम लोग, खेल रहे हैं, इस तरह से और होगा, राम, सॉरी राम बाजार से सब्जी, सब्जियां ला रहा है, राम बाजार से सब्जियां ला रहा है। मैं टीवी रहा हूँ, तुम मुझे गाली दे रहे हो। देखिए इस तरह से सेंटेंस हिंदी का बनेगा, यानी कि लास्ट में क्या आएगा, रहा है, रही है एंड रहे हैं। चलिए इसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बना लेते हैं। यहाँ से हम लोगों का होता है वी, वी के साथ लगता है आर, तो वी आर देखिए खेल रहे हैं यानी कि वी आर, पी एल ए, उसमें पी एल ए वाई के साथ आई एन जी लगाएंगे तो प्लेइंग, राम बाजार से सब्जियां ला रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आर एम राम इज, राम के साथ क्या लगता है, इज, राम इज बी आर आई एन जी ब्रिंग, उसमें आई एन जी ब्रिंगिंग
यानी कि राम ला रहा है, ठीक है, राम इज ब्रिंगिंग। अब क्या ला रहा है? वेजिटेबल, वेजिटेबल्स। और कहाँ से ला रहा है? मार्केट से, तो फ्रॉम मार्केट, ठीक है। राम इज ब्रिंगिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, क्या लिखेंगे हम लोग? राम इज ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग बना लेते हैं। मैं टीवी देख रहा हूँ, तो आ जाए यहाँ पर आई एम, देखिए टीवी देखना क्या होता है? वॉच टीवी होता है, डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच, उसके साथ क्या लगा देंगे? आई एन जी, तो हो गया आई एम वॉचिंग टीवी। चलिए इस तरह से बनेगा। तुम मुझे गाली दे रहे हो, क्या बनेगा इसका? यू आर ए बी यू एस आई एन जी, क्या हो गया? एब्यूजिंग, यू आर एब्यूजिंग किसे? मुझे, तो मी, यू आर एब्यूजिंग मी। देखिए एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, ठीक है, गाली देना एब्यूज होता है, उसमें आई एन जी लगाते हैं, एब्यूजिंग मी, यू आर एब्यूजिंग मी, यानी कि तुम मुझे गाली दे रहे हो। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कैसे होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, या कैसे बनता है। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज़ आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। यहाँ पर आप लोगों को आई होप कि अच्छा से आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे इसका ट्रांसलेशन बनता है, और इसे डेली आप लोग कई सारे ट्रांसलेशन से प्रैक्टिस करिए तो आपका दिमाग में घुस जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की कैसे बनता है। तो अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।